नवरात्रि के 6ठे दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज माँ कात्यायनी देवी के रूप में हम सभी के सामने माँ का ये स्वरूप अत्यंत ही करुणामय है। माँ सचमुच माँ होती है, बच्चा हजार बार गलती कर लेकिन फिर भी उनका करुणामय रूप बच्चे को आगे के लिए खड़ा कर देता है, अपने पैर पर खड़ा हो जाता है। ऐसे माँ के स्वरूप को जो सामने देखे उनका संपूर्ण शरीर सोने के समान चमक वाला दिखाते हैं और शेर पर सवारी है। माँ का ये स्वरूप जिसमें कि एक हाथ में तलवार, दूसरे में कमल पुष्प और तीसरा उनका हाथ अभयदान और चौथा व्रत मुद्रा में होता है, यानी अलिप्त जीवन का प्रतीक, बाहरी वातावरण से अलिप्त जीवन, संग दोष, अन्न दोष, शब्द दोष, सभी से परे अलिप्त अवस्था, बाह्य किसी भी नकारात्मक वातावरण से सदा व्यक्ति अपने आप। माँ का ये व्यक्तित्व, माँ का ये हाथ जिसमें कमल पुष्प है, हमें ये संदेश देता है। साथ साथ इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में कोई भी परिस्थिति रूपी बातें आवे कि ज्ञान की तलवार से काटो, अपने आप को समझाओ, अपने आप के शिक्षक, अपने आप के लीडर आपके अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। शास्त्र हमें संदेश दे सकते हैं, ऋषि मुनि हमें मार्ग दिखा सकते हैं, चलना तो हमें खुद को है। इसलिए ज्ञान की तलवार हमेशा साथ रहे। एक हाथ से रास्ते में जो आए, चाहे विघ्न डालने वाले आवे, चाहे प्रोत्साहन देने वाले आवे, उसे आशीर्वाद देना न भूले। आशीर्वाद यानी शुभकामनाएं एक ऐसी शक्तिशाली अस्त्र है जिसे कैसे से कैसे शत्रुता रखने वाला भी मन उसका पिघल जाता है। हर मुश्किल आसान हो जाती है, बस शर्त है कि निरंतर हमारा ये दृष्टिकोण रहे, कोई भी आए मुझे देना है, मुझे देना है, मुझे देना है। आशीर्वाद देनी है, शुभकामनाएं देनी है, प्रोत्साहन देना है, बस देना है। और चौथा जो अभय मुद्रा में है, यानी दूसरों को कभी भी भयभीत न करें, अपने अहंकार के कारण, अपनी किसी उपलब्धि के कारण, बल्कि अभय दान दे। आपके पास जो है ईश्वर की देन के रूप में, आप उससे दूसरों को सहयोग दें, उनका जीवन सुरक्षित करें। आप देंगे तो मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले की महानता है। ऐसे ही आज भय से पीड़ित चारों तरफ मनुष्य आत्माएं हैं, अभय दान देने वाला कोई भगवान को तो वो पहचानते नहीं है लोग। आपने पहचाना है, आपने जाना है और आपके अंदर कुछ भी अच्छे विचार है जिससे आप भयमुक्त रहते हो, तो आप दूसरे को भी भयमुक्त। आपके पास जो समर्थ है उससे आप दूसरे को आश्वासन दो, मेरी कोई सेवा की जरूरत हो मैं हाजिर हूँ, हमेशा हमें याद कर। यानी दूसरे को अभय दान दो, वरदान दो, अलिप्त जीवन में चारों तरफ की बातों से अपने आप को अलिप्त रखो। और ज्ञान तलवार जब भी कोई अपने अंदर की कमजोरियां सिर उठाए काट दो। और इस प्रकार के चारों अलंकारों को धारण करने वाले ही शेर जैसी भयंकर परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकते। और वो परिस्थिति क्या है? हमारी कमजोरियां हैं जो शेर के समान सिर उठाकर हमें नुकसान पहुंचा रही थी। चारों अलंकारों से युक्त होने वो परिस्थितियां, वो कमजोरियां सरेंडर हो जाती है, विशेषताओं के रूप में बदल जाती। माँ के इस स्वरूप को शहद का भोग प्रथा है, शहद का भोग लगाते। शहद में भी अपने आप में एक नेचुरल मिठास है। माँ को वही प्रिय होते हैं जो दूसरों के प्रति मिठासपूर्ण व्यवहार करते, वही प्रिय होते और आर्टिफिशियल नहीं, रियल। आज मनुष्य जब स्वार्थ की बात होती, कुछ जीवन में विघ्न आता है
या कुछ जीवन में प्राप्तियां करनी होती तब माँ को याद कर, हमेशा क्यों नहीं। हम कौन हैं और किसकी संतान हैं, बात की स्थिति हमारे अंदर उन विशेषताओं को ला देती है। माँ का आशीर्वाद खास करके कहते हैं धन धान्य संपन्न होते हैं और इनको भी अपने पारिवारिक जीवन में कुछ कठिनाइयां हैं, कठिनाइयों से करने की शक्ति प्राप्त होती, वरदान प्राप्त होती। तो वास्तव में ये चारों अलंकारों के आध्यात्मिक रहस्य को समझकर हम उन विशेषताओं को अपने जीवन में लाएं, पारिवारिक कलह क्लेश होती नहीं। दो में से अगर एक भी इस तरह से सकारात्मक परिवर्तन अपने आप में लाए, फिर पारिवारिक जीवन शांति में बन ही जाएगा, क्योंकि ताली तो दो हाथ से बनती, एक अकेले का दोष नहीं। आइए अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाकर जीवन को ईश्वर की तरफ से वरदान महसूस करें और खुशहाल जीवन बनाकर औरों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बने और संसार में लाखों अशांत दुखी आत्माओं को अपने जीवन से रोशनी दिखाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिवस। ओम शांति।